एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनका नाम कमलेश और कमला था। और एक दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और उसकी पत्नी बोलती है कि आप क्या पूरे दिन घर में ही बैठे रहते हैं। तभी कमलेश गुस्सा होकर के अपने घर से जंगलों के लिए निकल जाता है और कुछ समय चलने के बाद वह नदी के पुल पर से डाक करके और वह घने जंगलों के बीच से होकर के एक सुनसान जंगल में पहुंचने ही वाला होता है और तभी वह जंगल आ जाता है और कमलेश को अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। और फिर कमलेश अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि अब लगता है मुझे घर चलना चाहिए। और शाम भी अब होने ही वाला था कुछ ही समय में। और कमलेश उदास मनों से अपने घरों की तरफ बढ़ रहा था और कुछ समय चलने के बाद आखिरकार वह अपने घर के पड़ोस वाले घर के पास ही पहुंच जाता है। और जब वह घर पहुंच जाता है तब उसकी बीवी घर से बाहर आती है और उससे पूछने लगती है क्या आपको कुछ काम मिला। और तब कमलेश बोलता है नहीं भगवान, मुझे तो कोई काम नहीं मिला। तब उसकी पत्नी बहुत गुस्से में वो उससे कहती है कि आप इस घर से निकल जाएं। तब कमलेश कुछ समय शांत होकर के खड़ा हो जाता है और उसकी बीवी उसके ऊपर बहुत चिल्ला रही थी। और तब कमलेश क्रोध में आकर उससे बोलता है कि आप चुप हो जाओ तुम, अब मैं ये घर छोड़ कर के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तब फिर कमलेश गुस्से में आकर के अपना घर छोड़ कर के अब अपने घर से जंगलों के लिए निकल जाता है और कुछ समय चलने के बाद ही आखिरकार जंगल आ ही जाता है। और फिर कमलेश जंगलों के रास्ते दूसरे गांव में चला जाता है।